अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त और भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज माशाल्लाह से काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ दो दरिया, और मैंने कहा चलें दो दरिया की भी रिपोर्ट आपसे शेयर कर लें। सुबह का टाइम है और माशाल्लाह रोज़ा भी है, तो मैंने कहा चलें सुबह ही ठंडे में जो है वो गेम खेल लेते हैं और आप लोगों से रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं। तो इस टाइम मौजूद हूँ, अभी देखूंगा सोफ़े वाली पे जाऊंगा और जो भी रिपोर्ट होगी आप लोगों से शेयर करूंगा। और बस आपने एक काम ही करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि समझ लें कि रोज़े के मुंह पे आप लोग की खातिर मैंने कहा चलें यार कोई रिपोर्ट आपसे शेयर कर लें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, फ़िशिंग की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आटा बना रहा हूँ, थोड़ा सा आटे का ओवरव्यू मैं आपको करा देता हूँ। ये चेक करें व्यूअर्स, मैं अभी फ़िलहाल आटा बना रहा हूँ। ये आटा बनाऊँगा और उसके बाद गेम खेलूँगा, जो भी रिपोर्ट होगी आप लोगों से शेयर करूँगा। हूँ मैं अकेला बिल्कुल, तो तमाम काम मुझे अकेले को ही करने पड़ेंगे। तो जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आपसे फ़िशिंग जो है वो शेयर करूँगा। अभी तक बैठा हूँ, ये देखें यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक भी दाना नहीं लगा मुझे, एक भी। ट्राई कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं अल्लाह मालिक है। तक बैठा हूँ व्यूअर्स, और कैसी खूबसूरत जगह पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज सोफ़े वाली पे भी कुछ नहीं था, यहाँ पर भी आया हूँ, मच्छी बिल्कुल बाइट ही नहीं कर रही। तो काफ़ी थक चुका हूँ, थोड़ी देर और ट्राई करता हूँ, अगर कुछ होता है तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो व्यूअर्स ये चेक करें, ये पहली मच्छी आई है, और देखें फाउल शॉट। तो ये छोटी है, मैं इसको रिलीज़ करूँगा। चेक करें पानी कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल शिकार का नामो निशान नहीं है। तो बस अभी जा रहा हूँ, एक दो छोटी मच्छी लगी थी वो वापस। ये है कि थोड़ी ख्वारी हो गई आज, रोज़ा भी मुझे काफ़ी लग गया है, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे शिकार किया, लेकिन दिखाया आपको, एक टिकेरी लगी जिसको किसी कहते हैं, और एक और छोटी मच्छी लगी थी जो मैंने रिलीज़ कर दी दोनों। तो चलें, तो इंशाल्लाह यहाँ की फ़िशिंग मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पानी का चढ़ाव लगा हुआ है बहुत ज़ोर से, जवार पानी है तो तेज़ी से पानी चढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ये है कि वहाँ बैठना मुश्किल है, क्योंकि जब पानी का चढ़ाव हो जाएगा तो फिर तो बंदा शिकार कर ही नहीं सकता वहाँ पर। तो इंशाल्लाह दिखाऊँगा आपको फ़िशिंग वहाँ की भी। तो ये है कि बस आप लोग के लिए पारी की है रमज़ान में, और रोज़े के मुंह में देख रहे होंगे कि मेरा सांस भी चढ़ रहा है। तो चले मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।